बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और पर्दे की फेवरेट मां रीमा लागू अब हमारे बीच नहीं रही। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई में तड़के करीब 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह 59 वर्ष की थी। 1958 में जन्मी रीमा का नाम पहले गुरिंदर भटभड़े था, लेकिन मराठी एक्टर विवेक लागू से शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रीमा लागू रख लिया। 1970 के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में रीमा का फिल्मी करियर शुरू हुआ। रीमा लागू ने यूं तो थिएटर से अपनी एक्टिंग का सफर शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते वह बॉलीवुड की चहेती माँ बन गई। बॉलीवुड की अक्सर दया का पात्र जैसी दिखने वाली माओं से अलग रीमा लागू ने अपने किरदारों में हमेशा एक अलग अंदाज रखा। सिर्फ वास्तव ही नहीं, उन्होंने अपने माँ के हर किरदार को हमेशा पारंपरिक माँ की छवि से अलग और ज्यादा प्रैक्टिकल रखा। रीमा लागू को अपने किरदारों के लिए 4 बार फिल्मफेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल चुका था। चाहे सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान, रीमा लागू ने फिल्मों में लगभग हर बड़े स्टार की मां का किरदार किया है। हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया और हम साथ साथ हैं जैसे फिल्मों में वह सलमान खान के साथ नजर आईं, और एक समय ऐसा आया जब लोग उन्हें सलमान खान की माँ ही समझने लगे थे। रीमा लागू, मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, जुड़वा, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन, कल हो ना हो जैसी कई हिट फिल्में दे चुकी हैं। वह टीवी पर सीरियल तू तू मैं मैं से भी रीमा के किरदार को लोगों ने खूब सराहा। इस सीरियल में वह सास के किरदार में थी। सलमान और शाहरुख की ऑन स्क्रीन माँ यानी कि रीमा लागू हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने मीठे किरदारों से लोगों के दिलों में जगह बना चुकी रीमा हमेशा दर्शकों की यादों में जिंदा रहेंगी। बॉलीवुड जगत में भी रीमा लागू के निधन पर शोक की लहर है। देखते रहिए डीबी लाइव।